बीजेपी को तो हम गंदे से काट देंगे, गंदे से बताऊं मैं तुम्हें, गुस्सा इतना है। और ये गुस्सा जब लो इलेक्शन भी होंगे इसके, जब लो हमारा गुस्सा नहीं जाता। हर किसान का जो ढाई महीने से सड़क पर पड़ा, ये शर्म नहीं आई? और क्यों किसान सड़क पर पड़ा, शर्म तो नहीं से ना? जो हम इसे नाच का दाना न दें, काट क्या इनकी इंटो में बुड़क मारेंगे क्या? ईंट खावेंगे क्या? क्या सीमेंट खावेंगे? कहा बाहर विदेश वालों ने कह दिया, कहने लगा तू नालायक है, किसानों की बात नहीं सुन रहा, विदेश से बात आ ली इसके द्वारा। भाई मैं लिख कर दूँ, लिख कागज ले आ और मैं लिख कर दूँ, जो यह सरकार आएगी हम इस हिंदुस्तान को छोड़ देंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे जो ये या सरकार आवे तो। इसे शर्म आनी चाहती, और यो बेशरम हो रहा ना, बेशरम हम भी होना जाना है, हम भी इसे अब का सबक सिखा कर देंगे। और यो जब तक यो जिंदा रहेगा इसे सत्ता में नहीं आने देने के। हम चोर सब हमें क्या सबक सिखा देता, हम तो मौज ले रहे पड़े घर तक छली होकर आ रहे, हम तो हम बता रहा मौज है हमारी सड़क, हम सुन तो ले, हम रात को पैदल चला मैं, रात को कौन आवे हमारे दौरे, और पाले में हम गंजे लगा मैं कोई लू में करे सर को लू में भाई, वहाँ कौन आवे पाले में? यो मोदी आवे क्या, कोई और आवे? और रही बात इसकी, भाई ये तो ऐसा है, ये तो आती जाती छाँ हो चली जाएगी। पता बीजेपी के जो नेता क्या कहते हैं, क्या कि मोदी का 56 इंच का सीना है, मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। अरे मोदी क्या है, बहुत बड़े बड़े होकर चले गए इस दुनिया पे, रावण सार के चले गए जो जिनका नाम था, इसकी मोदी की क्या हिम्मत है? अब ये सदा रहेगा, ये तो अब का है। और मैं एक बात बताऊँ, अब कटम इलेक्शन के बाद में मैं बुलाऊँगा अपने यहाँ और थारी दावत करूँगा जब ये हारेगा। और अब तो जीत रहे, अब तो कब क्या कर रहे हैं, जब बेईमान ने तो जीत गया था, जो बेईमान ने तो जीता था, तुमने हराए थे बापू बेटा अजीत सिंह भी और चौधरी साहब भी, वोट नहीं देते, वोट कचकच दे रखी थी। मैं बता भाई तुझे क्या बताऊँ, पत्रकार महोदय आगे बता दूंगा। सरकार ने रास्ता साफ कर दिया कि कानून वापस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, यो होगा 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 होगा, बता दिया उसे। हम जो हम चाहेंगे वो होगा। दो बच्चे, मैं तो दो नौकरी कर रहे, दो मेरे लड़के दो खेती कर रहे, मैं बिल्कुल आजाद हूँ और छली हूँ मोदी के नाम का, मैं मोदी के नाम का छली, बिल्कुल मोदी के नाम का छली भाई मैं। अच्छा घर वालों ने कह दिया मोदी के नाम? मैं हमारे घर वालों ने कह दिया तू जा और तू वंटे, जब लो यो आर पार नहीं होगा जब तक तू काम नहीं आवेगा। मेरे लौंडो ने कह दिया है भाई, योगी के जो कर्म है, गाय बछड़े जो हमारे खेत खा रहे, हाँ बिजार की भी हो, बिजार गांव को हरी करे, बिजार की क्यों ना होती है भाई, बिजार की क्यों ना करते, वो भी तो गांव को हरी करे बिजार, तो गाय पैदा हो है भाई। ताऊ जी करीब 75 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, सरकार टस से मस नहीं हुई है, 200 किसानों की जान चली गई है, शहीद हो गए हैं। हाँ ये जान चली गई और किसान मर गया, किसान तो मर गया जी। इसे शर्म आनी चाहती प्रधानमंत्री को, जब दो मर गए थे ना, एक लड़के ने तो फांसी खाई थी यहीं इसमें टट्टी में, मैं जब भी मैं यहीं था और आज भी यहीं हूँ, देख लेंगे जीतेगा, आवन तो दे डंका तो जब ही तो मारेगा, जब हम नहीं होंगे इसका डंका भी तोड़ देंगे और इसे भी तोड़ देंगे हम। बीजेपी को वोट, वो तो बीजेपी क्यों जीत गई थी, हमारे यहाँ अजीत सिंह और अजीत सिंह का लौंडा लड़ रहा था, मेरे से वो लड़ रहा था, रात को इन्होंने गिनती कराई, रात को लाइट बढ़ा कर हमारी वोट ऊँगा घेर ली, ये जब जीतते थे बेईमानी कर ली, बेईमानी तो जीतते थे या उन्हीं जीतते, और ना जितने देंगे ही ना, अब का हम जो ओट खुलेंगे ना हम दिन में खुलवाओगे, हम तो अपने घर पे मंगा लेंगे पानी, घरों हमारे ट्वेल चला है, पानी काट लो, ढीच दुआ दो पानी कटवा कभी
ताऊ जी, 26 तारीख को आपने ट्रैक्टर परेड करी थी दिल्ली में, लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में ले गए आप, और वहाँ पर झंडा फहरा दिया लाल किले पर, नंबर एक, हाँ नंबर एक, नंबर एक झंडे की बताऊंगा। सुनो, अब उसने होना किसानों पे मुकदमे दर्ज हो गए। हाँ, मुकदमे दर्ज हो गए, नोटिस जा रहे हैं किसानों पे। ठीक है, 5 लाख का जुर्माना कर रही है सरकार योगी की। देखेंगे जुर्माने को भी, देखेंगे और इसे भी देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5-5 महीने का, 5-5 साल का वो कर रहा है ना, इसे भी हम देखेंगे कौन किस पर लगाए रुपये, कौन इसके इसकी जोड़ी भर देगा। सिकंजर तो हमने बहुत देख रखे है, मेरे बड़े देख के चले गए सिकंजर तो। हम या अब हमारे बाबा हमने मुकदमे लड़े, बहुत लड़े, और हमने भी 27 देर शिकायत की गैल काट रखी मैं, 27 समझ गया। हल्के में ले रही है सरकार तुम्हें? क्या हल्के में ले रही है सरकार? हल्के में तो इसे पता तो नहीं अभी हमारा, ये पहला ही तो नंबर पड़ा इस पर, अब लोग दो बार जिता दिया जनता ने, अभी तो इसे दिख रहा मैं ही हूँ बस। हम इसका यो कुछ भी बनावे, हम इसके बनाए को हम चलावे नहीं। ताऊ जी, सरकार कह रही है कि इस कानून से किसानों की आय दुगना होगी। आय दुगनी बगाए, अब जा आय दुगनी पर भी आ जा, 3 साल तक तो गंडे पर 1 रुपया नहीं बढ़ाया इनने, 4 साल हो गए गंडे पर 1 रुपया नहीं बढ़ाया, और पर्चियों पर 1 नंबर आ रहा बस, नून जीरो क्या है, जीरो पेमेंट आ रहा। जीरो पर पता नहीं मतलब ये 100 देंगे 200 देंगे कि नहीं दे, जब जीरो ही कर दी उन्होंने। हाँ भाई, मिल मालिक बिके हुए इसका, मिल ये जो मिल मालिक है ये बिके हुए है इसका सरकार के। गन्ना मंत्री आपके यहीं पे, यहाँ के वो तो संजीव बालियान का तो हम भाई अभी कुछ कह नहीं रहे, पर हम बता रहे और जिस दिन आंदोलन निमट जाएगा, अरे सुन डाले, जिस दिन आंदोलन निमट जाएगा 84 में रह रहा है वो, और 84 में बैठ के हम चौधरी साहब को बुला के, राकेश को, नरेश को, हम इनका हुक्का पानी दे लेंगे जो बोलता ना हो, समझ गया। जो संजीव क्यों नहीं बोल रहे हो भाई किसान के बारे में, संजीव जब 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 जाट था यो, बिरादरी थी, बिरादरी में भी धोखा कर रहा हो, बिगड़ रोड के जीत गए हो, वोट तो मोदी जी को दिया ना। हाँ, मोदी जी ने दी, कोई कहाँ तो लड़ा था, आसमान तो लड़ा था, गए मोदी जी के नाम पर दिया ना वोट। मोदी के नाम पर दिया वोट मोदी को भाई, रास्ता तो यही है, वह जिस दिन तू शुरू में आया था वही बात तो आज है, और वही अब सुन ले, जब तक इसके घुटने नहीं टिकवा देंगे किसान, जब तक यंत्र उठने वाला कोई नहीं है, समझा समझ गया, यंत्र किसान कोई भागने वाला नहीं है यहाँ तो। अब कल परसों कल हुआ लगी थी पुलिस, यहाँ जगह भी नहीं रही थी, सुन तो ले, पुलिस आई थी और पुलिस ने कब्जा लेना चाह रहा था, यहाँ मिल गया कब्जा, मिल गया क्या पुलिस को? मैं एक ही बात पूछनी चाहूँ पत्रकार महोदय, ज्यादा न कुआवे कब्जा दो, कब्जा कुकर दे देते हम कोई, हम पिल्ले थे कुतिया के, हम तो जाट को मेरा जब मानिए, जब चीप आखा जम जा, जाट को लूना मानिए जाट। हाँ किसान जी तो है, जाट नहीं किसान तो सभी है, गुज्जर भी है, सैनी भी है, सभी है। अब पंचायत हो रही है, खाप पंचायत गांव-गांव में लाखों आदमी जा रहे हैं, वो वोट में तब्दील कर पाओगे आप? हाँ कर देंगे तब्दील, वोट दोगे इसको सरकार को? सरकार को वोट क्या, हम इसे बच हो ना को अवे चुनाव में मैं मुझे गुस्सा आ जाएगा, मान जा तू पत्रकार, तुम बहुत दिनों तक तुम मिलते जुलते हो, ज्यादा ना मेरे ज्यादा मुझे ना मैं गुस्सा नहीं आया, गुस्सा होगा जब तक देखिए वो ढाल का मिलूंगा मैं, गुस्सा नहीं है तब शराबत की बात है तो मेरी तेरी, और क्यों तेरे तो मेरा मेल है, समझ गया, बहुत दिनों तक जब तक तू यहाँ जान लगा बहुत मेल है। ये जो बछड़े छुट रहे हैं ये भी तो मोदी की और योगी की देन है, हमारे जो खेत जड़े लग रहे हैं, अन्य मुसलमान ले जाते है भाई और चले जाते हुए, पर हम तो उजाड़ दिए इन्होंने, जब हम उजड़ भी रहे दूसरे को उजाड़ने में हमारा हमें बढ़ने लगे। वो तो गाय है पूजा करो उनकी, योगी जी कहते हैं। हाँ पूजा कर रहे हम, जो गाय है जो जिनका दूध पी रहे पूजा कर रहे हैं, जो हमारे घर पर भी गाय है हर आदमी पूजा कर रहा,
बताओ कौन कौन है कि धक्का दे रहा है उनको? आप कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हाँ। लेकिन जो सरकारें हैं, हाँ। वो बहुत बुद्धिमानी से काम करती हैं। उन्हें पता है कि किसान तो वोट दे ही देगा, लेकिन मंदिर बना दिया, वोट उससे मिलता है उनको। सुन ले, मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, कोई और चौराहा बना लो, यो जो बना लो, कुछ ही बना लो, इसे वोट मैं तुझे लिख कर दूँ। जो ये 2.5 साल है, कितने 3 साल है, रेस करते हैं इनमें तो जो कुछ ही बीज बोलो और उन्हें हम काट लेंगे। जो वो होगा जैसे जो बीज बो रहा ना, हम काटने भी ले जाना है। मैं बाबा जी के कह रहा 27 जेल काट रखी बाबा जी के। मारे है मारे से कोई भी कोई से कुछ पूछ के देख रहे, सारों को परिवार है कि बुढ़िया भी हैं, बुढ़े भी हैं, जाकट भी हैं। बताओ हमारा कौन सा है और उसके बताओ मोदी का कौन सा लुंडा बच्चा बताओ, एक लुंडा। वो कह रहे हैं कि पूरा देश ही मेरा औलाद है। अरे देश सा देश का पता चल जाएगा भाई, पत्रकार महोदय ज्यादा ना समझ गए। कह रहे किसान हमारी बदनामी करवा रहे विदेश में, हाँ। किसान हाँ। बदनामी करवा रहे, अरे हम तो अपने हक लेना है रे, बदनामी से बदनामी दिखती होगी, देना पड़े बुनाई और घटा बतावे सूट है भाई, जब इसे बुनाई देनी पड़ रही है ना, घसा सूट बता रहा है हमें, समझ गया। मेरे गंदे का 0 लिखा पर्ची जान लग रही, 8-10 सीजन जा लिया और पिछले साल के भी पैसे रुक रहे इस पर मील वालों तो 60 गांठ है इसकी, पैसे ले रहा केंद्र मील वालों पर। अच्छा धन्यवाद है।